नमस्कार दोस्तों, आगरा ताजमहल के लिए मशहूर है, लेकिन दोस्तों इन दिनों तो राजनीति के अखाड़े के लिए आगरा मशहूर हो रहा है और आगरा में ज़बरदस्त फाइट हो रही है तीन प्रत्याशियों के बीच में। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन जो है उसमें सीधी फाइट तो है ही, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ से एक पूर्व IRS रेवेन्यू सर्विस की अधिकारी प्रीता हरित को मैदान में उतारकर इस चुनाव को दिलचस्प बनाने की पूरी कोशिश की है। हालांकि आंकड़े यहाँ पर कांग्रेस के अगेंस्ट ही जा रहे हैं और आगरा सुरक्षित सीट इसके जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर भाजपा और गठबंधन में सीधी टक्कर होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से अपना टिकट बदला है। जी हाँ, कई सुरक्षित सीटों से टिकट भारतीय जनता पार्टी ने बदले थे। यहाँ पर डॉक्टर रामशंकर कठेरिया, जो सेंटर में मिनिस्टर भी रहे, उनका टिकट यहाँ से हुआ था 2014 में, वो सांसद रहे, 2009 में सांसद रहे, इस बार उन्हें इटावा भेज दिया गया है और उनका टिकट काटा गया है। टिकट काटने के पीछे कुछ पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी है। बहरहाल रामशंकर सिंह कटेरिया की अगर बात करूं तो उन्होंने 2014 में BJP के टिकट पर यहां से 5,83,000 वोट लिए थे और BSP के नारायण सिंह सुमन 2,83,000 वोट लेकर दूसरे स्थान पर थे। सपा के महाराज सिंह धनकर 1,34,000 वोट लेकर तीसरे स्थान पर और कांग्रेस के उपेंद्र सिंह 34,000 वोट लेकर चौथे स्थान पर रहे थे। यानी कि कांग्रेस का यहाँ कोई हिसाब किताब नहीं है। 2009 में भी स्थिति ऐसी थी। रामशंकर कठेरिया ने 2,03,697 वोट लिए थे और कुंवर चंद जो थे बसपा के, उन्होंने 1,93,000 वोट लेकर दूसरा स्थान प्राप्त किया था। तो अब स्थिति ये है कि यहाँ से बसपा ने अपना टिकट बदला है और जो हाथरस में पिछली बार दूसरे स्थान पर रहे थे मनोज सोनी, उन्हें यहाँ पर बसपा ने भेजा है चुनाव जीतने के लिए और वो यहाँ पर गठबंधन के प्रत्याशी हैं मनोज सोनी। भाजपा ने यहाँ से रामशंकर कठेरिया का टिकट बदला है और यहाँ से SP सिंह बघेल, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं कैबिनेट स्तर के, उन्हें अपना प्रत्याशी यहाँ से बनाया है और इसी वजह से ये चुनाव दिलचस्प हो गया है, क्योंकि इस इलाके में लगभग 1,30,000 बघेल बिरादरी के वोट हैं। तो ये भाजपा का गणित ठीक लग रहा है यहाँ पर और उन्होंने अपने वोट साधने की कोशिश की है। यहाँ पर 3,15,000 वैश्य वोट हैं, तो ये तो भाजपा अपने ही मानकर चलती है। इसके अलावा जो दलित वोट हैं 2,80,000, उनमें से भी भाजपा अपना शेयर मानती है, हालांकि वो बसपा को भी जाएंगे। मुस्लिम वोट 2,70,000 हैं, वो बसपा सपा के प्रत्याशी मनोज सोनी को मिलने उनमें से मेजर मुझे तय नज़र आ रहा है। अलबत्ता देखने वाली बात यह होगी कि आयकर आयुक्त रही प्रीता हरित, जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, वो किस तरह से इस चुनाव को हैंडल करती हैं। हालांकि जो जानकारी अभी मिली है, उनका चुनाव अभी थोड़ा ढीला ढाला चल रहा है, प्रचार थोड़ा मोमेंटम नहीं पकड़ पा रहा है, लेकिन फिलहाल मुझे SP सिंह बघेल जो है भाजपा के यहाँ आगे नगर नज़र आ रहे हैं। सवर्ण जातियों में उनकी अच्छी पकड़ है, भाजपा का वोट बैंक सवर्ण जातियों में है ही यहाँ पे सॉलिड। तो इस स्थिति में यहाँ पर अगर भाजपा की कंडीशन बढ़िया बनती है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। इस आगरा सुरक्षित सीट के बारे में अगर डिटेल में हम जाएँ तो यहाँ पर जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो हैं एतमादपुर, आगरा छावनी, आगरा नॉर्थ, आगरा साउथ और एक जलेसर सीट यहाँ एटा जिले की है, वो भी इसमें जोड़ दी गई है। तो यहाँ पर क्षत्रिय वोट भी ठीक ठाक मुझे लगता है कि मिल सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को। बहरहाल जो मनोज सोनी हैं यहाँ से गठबंधन के प्रत्याशी, उनके चांसेस मुझे मुस्लिम और दलित वोटों में से लगभग अगर 3,00,000 से ज़्यादा के लगभग, ये लगभग 2,50,000 के करीब जो वोट हैं सॉलिड, उनमें से अगर आधे भी मिलते हैं तो यहाँ गठबंधन प्रत्याशी तकड़ी फाइट में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पिछली बार जो दूसरे नंबर पर नारायण सिंह सुमन रहे थे बसपा के, उन्होंने 2,83,000 वोट लिए थे। तो इस हिसाब से
यहाँ पर चुनाव दिलचस्प हो सकता है, लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ पर भाजपा बढ़त बनाती हुई नज़र आ रही है। इस सीट के बारे में हम आगे भी चुनाव के दौरान बात करते रहेंगे, कोशिश करेंगे कि इस पर हम एक लाइव वीडियो भी करें। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव, और अगर आप हमारे से नहीं जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन नहीं प्रेस किया, तो आप हमारे लाइव सवाल जवाब में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इसलिए लाइव सवाल जवाब में हिस्सा लेने के लिए ज़रूर आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव, मुलाकात होती रहेगी आपसे। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।